pobres! Excelsior! Excelsior do pobres! Excelsior! Excelsior! Excelsior do pobres! Excelsior! Excelsior! Excelsior do pobres! O meu único jamais será o vencido! साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सबसे पहले आज यहाँ इस समय और पिछले कई दिनों से जितने छात्र सड़कों पे इस कैंपस के अंदर, इस कैंपस के बाहर और जितने फैकल्टी, जितने कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हु हैव बीन प्रेजेंट इन दिस फाइट, आई वुड लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू। आई अंडरस्टैंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये लड़ाई कुछ हम पांच छह लोगों के लिए नहीं थी, आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है, आज ये लड़ाई सिर्फ इस विश्वविद्यालय की नहीं, इस देश भर के हर विश्वविद्यालय की लड़ाई है, और सिर्फ विश्वविद्यालयों की नहीं, इस समाज के लिए लड़ाई है कि आज आने वाले दिनों में हमारा कैसा समाज होगा। साथियों, अभी कुछ दिन, पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूँ। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूँ। फिर मुझे पता चला, जब ये बात गुब्बारा फट गया, फिर पता चला कि मैं मास्टर माइंड हूँ। मतलब जेएनयू के स्टूडेंट्स, दे हैव अ वंडरफुल माइंड, बट आई वॉज द वन फोकस दैट आई एम द मास्टर माइंड हु इंश्योर्ड दिस एंटायर प्रोग्राम, एंड आई वॉज प्लानिंग दिस प्रोग्राम इन 17-18 यूनिवर्सिटीज। आई डिड नॉट नो, आई सीरियसली डिड नॉट नो माई इन्फ्लुएंस वॉज सो ह्यूज। देन दे सेड दैट आई वॉज प्लानिंग दिस मीटिंग फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स। मतलब इस तरीके से अगर एक पब्लिक मीटिंग कराने के लिए, तो उमर खालिद फैन क्लब यही चलाएगा। मतलब अगर जेएनयू में एक पब्लिक मीटिंग कराने के लिए 10 महीने लगे तो पता नहीं जेएनयू तो ठप हो जाएगा। फिर पता चला, जब ये बात भी काउंटर हो गया, तो पता चला कि मैं 800 कॉल किया हूं पिछले कुछ दिनों में। मतलब कोई सबूत, कोई मतलब एलिजिबली भी बोलने की जरूरत नहीं है मीडिया को, किया है। और कहां कहां किया है, गल्फ में किया है, कश्मीर में किया है। अरे एक सबूत तो लाओ। पहली बात तो यह, करने से कुछ होता नहीं, अगर किया भी होता, लेकिन कोई सबूत, कोई सुनवाई और कोई कुछ हुआ नहीं है। मतलब शर्म इन लोगों को बिल्कुल नहीं आती। अगर हम ये अपेक्षा करें कि ये लोग शर्म करेंगे, तो यू विल बी फूलिंग आवरसेल्व्स। मतलब द वे अगेंस्ट ऑल ऑफ अस द मीडिया हैज रन अ वर्चुअल मीडिया ट्रायल, अ रियल मीडिया ट्रायल। मतलब द वे दे हैव ट्राइड टू फ्रेम अस, द वे दे हैव ट्राइड टू प्रोफाइल अस, और मतलब एक आईबी से, सरकार से आ गया कि जैसे मोहम्मद का कोई लिंक नहीं है, उसके बाद भी किसी ने माफी मांगना, डिस्क्लेमर देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब मैंने पहली बार देखा तो हंसी आई कि यार जैसे मोहम्मद को पता चलेगा, शायद आर्य झंडे वाला पे एक प्रोटेस्ट करने लगे कि मेरे नाम उनसे जोड़ा जा रहा है। लेकिन मतलब कुछ कुछ, मतलब उनसे वही बात है कि अपेक्षा करना वो नहीं है। जिस किस्म से झूठ बोले गए, जिस किस्म से बातें करी गई, अगर इन मीडिया वालों को लगता है ये लोग बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने इस देश में, इस देश के लोगों के खिलाफ, कोई आदिवासी हो तो उसको माओवादी बोल के, कोई मुसलमान हो तो उसको आतंकवादी बोल के, जिस तरीके से एक सिलसिला चला है, और इसी तरीके से मीडिया ट्रायल और पूरा स्टेट अपैरेटस उसके पीछे लगा रहता है। शायद बहुत सारे लोग बेबस होते हैं, उनके लिए बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन भाई साहब आप लोग गलत लोगों से भिड़ गए। जेएनयू के छात्र आपको इसका मजा चुकाएंगे। एक एक मीडिया चैनल को इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से वो किया है। जब एक समय बाद, अगर मैं किसी बात के लिए कंसर्न था, मैं अपने लिए बहुत कंसर्न नहीं था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि आप सारे लोग हजारों की तादाद में होंगे, और मुझे पता था। लेकिन अगर मुझे कंसर्न आना शुरू हुआ और मैं पैनिक करना शुरू हुआ, मैं जब करना शुरू हुआ, जब मैं अपने बहन के और अपने पिता के स्टेटमेंट्स देखे, जिस तरीके से मेरी बहन को, मेरी कई बहनें हैं और सब लोगों को, जब लोग उन लोगों ने आगे सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, जिस तरीके से अलग अलग किस्म की धमकियां देनी शुरू करी, किसी को बोला बलात्कार कर देंगे, किसी को बोला एसिड अटैक करेंगे, किसी को बोला तुम्हें जान से मार देंगे,
मुझे वही समय याद आ रहा था जब बजरंग दल के लोग कंधमाल में क्रिश्चियन नन के साथ रेप कर रहे थे तो वहां भारत माता की जय बोल रहे थे। अगर मैं उस दिन के कॉमरेड कन्हैया 11 फरवरी के भाषण को याद करूं कि अगर तुम्हारी भारत माता में ये तुम्हारी भारत माता है तो ये हमारी भारत माता नहीं है और हमें इस बात का कोई शर्म नहीं है। हम लोगों को उसके बाद जब मेरे पिता आके बात किया तो इंटरोगेट किया होना वहां जिस तरीके से उनका पुराना कोई निकाल के और बोला गया कि यहां से ये लाया गया है, मतलब हर किस्म से किसी तरीके से फ्रेम कर दो। कुछ लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ जी न्यूज में हैं, कुछ एक भाई साहब हैं टाइम्स नाउ में, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और ऐसे उनके कुछ लघु ऐसे कुछ छोटे मोटे छुटभैया रिपोर्टर्स भी हैं। वो सारे लोग मतलब इनको इतनी नफरत कहां से आती है, इतना गुस्सा कहां से आता है जेएनयू छात्रों पे, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी नफरत पालते कैसे हैं ये लोग। मतलब जिस तरीके से मेरा मीडिया ट्रेन हुआ और मेरा मतलब मैं यह बात बोलना चाहूंगा एक बात अपने पे एक छोटी सी बात फोकस करके। When I was doing, I said this sometime earlier also, I'll repeat this. For the last 6 years when I've done politics in this campus, for the last 7 years when I've done politics in this campus, I've never thought of myself as a Muslim. I've never also projected myself as a Muslim. और ये बात मुझे लगा कि आज जो समाज में दमन है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, अलग अलग हर शोषित तबके पे, चाहे आदिवासी हो चाहे दलित हो, सब पे दमन है। और हम लोग जो oppressed कम्युनिटीज से आते हैं, oppressed identities से आते हैं, देर इज अ नीड फॉर अस टू कम आउट ऑफ आवर इमीडिएसी एंड टू लुक एट ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर। पहली बार लगा मैं मुसलमान हूं पिछले 7 साल में, और वो पिछले 10 दिन में लगा। जिस तरीके से टू कोट रोहित वेमुला, आई वॉज रिड्यूस्ड टू माई इमीडिएट आइडेंटिटी। और ये बात बहुत शर्मनाक है, ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी एजेंट। तो मैं एक पाकिस्तान के शायर का एक छोटा सा दो लाइन बोलना चाहूंगा। अरे भाई, हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है, पर इन दोनों मुल्कों पे अमेरिका का डेरा है और तुम अमेरिका के दलाल हो। तुम लोग जिनको दलाली के सिवा कुछ नहीं आता, एक सरकार बैठी है जो अमेरिका के तलवे चाट रही है हमारे देश के यहाँ के खनिज संपदा को, यहाँ के रिसोर्सिस को, यहाँ के लेबर को, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच रही है, वहां शिक्षा को बेच रही है। हमने देखा किस तरीके से WTO में जाके घुटने टेक दिए, जाके बिल्कुल ही पूरा मतलब क्या बोले सजदा कर लिया वहां। वो लोग हमको बता रहे हैं देशभक्ति क्या होगी। दे डोंट अंडरस्टैंड, आई विल हियर से टू ऑल यू फेलो एंटी नेशनल्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आर लव फॉर द पीपल, आवर स्ट्रगल्स नो नो बाउंड्रीज, दे नो नो बॉर्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ऑफ अस विल बी यूनाइटेड किसी भी सरकार के खिलाफ हो, किसी भी देश की सरकार के खिलाफ हो। और इस किस्म के घिनौना टैक्टिक से वो हमको इंटिमिडेट नहीं कर सकते, वो हमको चुप नहीं कर सकते। साथियों, आप सारे लोगों को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग, इनकी बहुमत हो सकती है, इन लोगों को बहुत सारे इनकी सीट हो सकते हैं, इनके पास बहुत मीडिया हो सकता है, बहुत स्टेट अपैरेटस का पुलिस और क्या क्या हो सकता है, लेकिन डरपोक लोग हैं। वो डरते हैं हम लोगों से, वो डरते हैं हमारे संघर्षों से, वो डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं। और आज के देश में, मेरे साथी अनिर्बान ने एक बात बोली थी वो 10 फरवरी को मीडिया में, सबसे आसान है एंटी नेशनल होना, आप सोचना शुरू कर दीजिए आप फॉरन एंटी नेशनल बोल दीजिए। तो हम सारे लोगों को, अगर इनको लगता है इस तरीके से डरा सकते हैं, तो आप बहुत ही बड़े इल्यूजन में है। जिस तरीके से मैंने बोला, आप लोगों ने गलत विश्वविद्यालय से पंगा ले लिया है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों से पंगा ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन ये चाहे वो FTIA की लड़ाई हो, चाहे जो HCU में हुआ रोहित वेमुला उनके साथियों के साथ, जिस तरीके से रोहित वेमुला की हत्या की गई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संदीप पांडे के साथ हुआ, हर एक लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के हम लड़े हैं, हर एक लड़ाई को सड़कों पर लेके गए हैं। यहां हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सबसे बड़ा नाक में दम जेएनयू ने किया और हम उसको खत्म कर देंगे, तो आप जैसे पहले भी बहुत आए थे और उनको ऐसी तरीके से निकाल के गया था। शायद आप इंदिरा गांधी को भूल गए, इमरजेंसी के बाद जब वो यहां आई थी उनको आने नहीं दिया गया था। शायद आप मनमोहन सिंह को भूल गए जब आए थे या नेहरू को लगाने या स्टैचू को इनॉग्रेट करने। तो इस कैंपस के छात्रों ने उस तरीके से, यूपीए सरकार ने जिस तरीके से इस देश को बेचने की साजिश कर रही थी, उसके खिलाफ झंडा दिखाया था। जब पी चिदम्बरम यहां आए थे, अगर उनको लगता था कि यहां आके उनको स्टूडेंट्स वेलकम करेंगे, तो स्टूडेंट्स ने उनको भी उनकी जगह दिखाई थी कि स्टूडेंट्स किसके साथ हैं। इस देश के शोषित
उत्पीड़ित जनता के साथ है और आपके इस तरीके के घिनौना टैक्टिक से कोई इंटिमिडेट नहीं होगा. दीज आर जस्ट माइंड गेम्स. दे आर टेस्टिंग वेदर वी विल गेट स्केर्ड एंड लेट अस एक्सेप्ट दैट चैलेंज. वी विल नॉट गेट स्केर्ड. वी विल फाइट बैक एट एवरी फ्रंट. वी विल फाइट बैक एंड ऑन एनी इशू. एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कैंपस हैज अ राइट टू पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन विदाउट एनी फियर ऑफ इंटिमिडेशन. साथियों, ये डरपोक लोग हैं और इनका एक जो छात्र विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस कैंपस का जो एक वानर सेना है, वो लोग उन्होंने उनको ठेका मिल गया है कि कुछ हो, ऐसी बात हो जहां आपका एजेंडा सामने नहीं आ रहा, लोग आपको क्रिटिक कर रहे हैं, तो आप जाइए, आप हुड़दम कीजिए. हम इंश्योर करेंगे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वहां का रजिस्ट्रार, पुलिस, MP सब आपके साथ आएंगे. एक एक चीज, यू रिप्लेस अप्पा राव विद जगदीश कुमार, यू रिप्लेस दत्तात्रेया विद महेश गिरी, द स्क्रिप्ट इज द सेम, बट देर विल नॉट बी एनी मोर रोहित्स. वी विल नॉट बी रिड्यूस टू आवर लिमिटेड आइडेंटिटी. वी विल बी अ स्टारडस्ट. वी विल फ्लाई एंड वी विल फाइट बैक. वी नो व्हाट वी आर मेड ऑफ. वी नो दिस कैंपस. वी चेरिश दिस कैंपस. वी हैव बिल्ट दिस स्पेस एंड वी विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय दिस स्पेस. वी विल नॉट गिव यू एन इंच. एक एक इंच की लड़ाई, हम आपको एक एक इंच खदेड़ के निकालेंगे. साथियों, ABP क्यों आया कि वहां इस तरीके से हर जगह हुड़दम करते हैं, वो एक बात जानते हैं. वो एक बात जानते हैं और जिस तरीके से स्टेट मशीनरी मोबिलाइज करते हैं, वो जनता के बीच में जाके जनता को मोबिलाइज नहीं कर सकते. पिछले 10 दिनों में इतना मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के बाद, इस तरीके से मीडिया ट्रायल करने के बाद, अंदर से देशभक्ति को जिस तरीके से कोशिश की जगाई जाए, जो सो गई थी शायद कुछ दिनों पहले तक, उसके बाद भी सड़कों पर जितने प्रदर्शन हुए हैं, कुछ तादाद है इनकी, बहुत छोटे मुट्ठी भर लोग हैं, और यहां एक 15,000 लोग जगे हैं. मैं जब मीडिया में कुछ दिनों पहले देख रहा था, जिस दिन यहां राहुल गांधी आए थे, उनको सुना मैंने काला झंडा दिखाया गया, तो वही 3 News वहां रिपोर्ट कर रहे थे कि छात्र बढ़ चुके हैं, आधे छात्र इधर हैं, दूसरे आधे छात्र उधर हैं. बाद में पता चला 10-12 लोग थे इधर और इधर 3,000 छात्र थे. मतलब जिस तरीके से डिस्टॉर्ट करो, जिस तरीके से मतलब झूठ बोलो और बेशर्मी से झूठ बोलो, वो इनको बहुत अच्छे से आता है. साथियों, एक बात हमको समझने की जरूरत है. जिस विश्वविद्यालय में हम हैं और इस विश्वविद्यालय ने हमें हमेशा सिखाया है, यहाँ के छात्र आंदोलन ने हमेशा सिखाया है, अ यूनिवर्सिटी विच डज नॉट अलाउ डिसेंट, इट बिकम्स अ प्रिजन. एंड दिस एजेंडा ऑफ देयर्स टू मेक आवर यूनिवर्सिटीज इनटू प्रिजन हाउसेस, वी विल डिफीट दैट एजेंडा. वी विल बी यूनाइटेड. वी विल नॉट लेट एनीवन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन. यस, वी हैव आवर डिफरेंसेस. वी नो हाउ टू डिबेट दोस डिफरेंसेस. आज कॉमरेड आशुतोष या कॉमरेड अनंत, अगर उनका संगठन कोई प्रोग्राम कराए या हम लोग कोई प्रोग्राम कराएं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती एक दूसरे को वैंडलाइज कर, एक दूसरे के प्रोग्राम में जाकर वैंडलाइज करने की, चाहे हम एक दूसरे के खिलाफ ही प्रोग्राम कर रहे हो, बिकॉज वी नो हाउ टू गो टू द पीपल. एंड ऑल दीज टैक्टिक्स विल नॉट, वी विल नॉट गेट काउंट डाउन. एंड टूडे लेट्स ऑल्सो नॉट प्रिविलेज आवर सेल्स सेइंग दैट दिस इज ओनली एन अटैक ऑन यूनिवर्सिटीज. टू कंक्लूड माई स्पीच, इन द लास्ट 10 days देयर हैव बीन सेवरल अटैक्स across the country, be it on Honda workers, a beat on the Jagdalpur legal aid group, on Sony Sori. We have to connect all these struggles, we have to connect all these fights, we have to stand with the oppressed everywhere, anywhere, and we have to keep the tradition of the JNU student movement alive. Shukriya and Khalaf Zindabad.